सलमान खान से क्लैश करना ही है। ईद 2018 पर होगा धमाका, फाइनल है। जब से ऐश्वर्या राय बच्चन अनिल कपूर की फिल्म फरने खान के रिलीज डेट की घोषणा की गई है, फिल्म काफी सुर्खियों में आ गई है। बता दें, फरने खान ईद 2018 को रिलीज हो रही है और सलमान खान की रेस 3 के साथ क्लैश हो रही है। हालांकि कुछ ही समय के बाद अफवाह उड़ी कि फरने खान के निर्माता को डेट पोस्टपोन करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि सलमान खान की फिल्म से क्लैश करना काफी नुकसानदायक हो सकता है। और यूं भी रेस 3 की रिलीज काफी पहले ही लॉक कर दी गई थी, लेकिन तुरंत ही फरने खान के निर्माता ने सोशल मीडिया पर इन अफवाहों को गलत बता दिया। क्राइर्ज एंटरटेनमेंट ने लिखा कि हमारी फिल्म 15 जून 2018 को ही रिलीज हो रही है, इसकी रिलीज पोस्टपोन की अफवाहों पर ध्यान ना दें। यानी कि ईद 2018 को सलमान vs ऐश्वर्या फाइनल है। फिल्म कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सलमान की फिल्म के सामने इसे अच्छी ओपनिंग मिलना नामुमकिन सा है। एक तरफ है सलमान खान और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन अनिल कपूर। कोई शक नहीं कि सभी बेहतरीन एक्टर्स हैं, लेकिन स्टार पावर की बात करें तो सलमान खान के सामने ये दोनों कहीं नहीं टिकते। ईद के मौके पर लोग एक्शन या कॉमेडी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि इमोशनल कहानी। लिहाजा इसका फायदा रेस 3 को मिल सकता है। रेस 3 के निर्माता हैं साजिद नाडियाडवाला। कोई शक नहीं कि साजिद अपनी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने वाले हैं। रेस और रेस 2 इस फ्रेंचाइजी की सुपरहिट फिल्में हैं। हालांकि रेस 3 की स्टार कास्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन दर्शकों को कुछ वैसी धमाके की उम्मीद है। वहीं रेस 3 जहां अभी से फिल्म प्रमोशन में जुट गई है, जाहिर है वह दर्शकों के बीच उत्सुकता बनाने में सफल होगी।